हडी आपसे जानना चाहेंगे, साला खड़ूस जो हमने जितना कुछ भी हमने ट्रेलर में देखा है ये एक स्पोर्ट्स बेस्ड है और ड्रामा मूवी है, लेकिन आप लोग हमारे साथ लाइव है तो कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह की मूवी होगी और क्या कुछ होने वाला है इस मूवी में? सर देखिए मैडी जब मुझे आए थे कहानी सुनाने तो उन्होंने जब मुझे सुनाई तो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये उसी किस्म का सिनेमा है जिस किस्म का सिनेमा मैं अक्सर बनाता हूँ या देखना पसंद करता हूँ। अगर मुझे कुछ इसको टैग देना है तो मैं ऐसे कहूँगा कि फील गुड सिनेमा है। आप जब फिल्म देख लेंगे तो आपको लगेगा कि आपको बहुत इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा और आप बड़ा थोड़ा हंसता थोड़ा रोते हुए निकलेंगे इस थिएटर से। तो इट्स अ फील गुड फिल्म। देखिए मेरे लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिल्म इसलिए है क्योंकि अभी तक मैं जितने भी रोल्स करता रहा हूँ हिंदी फिल्मों में, वो एक लवर बॉय का सॉफ्ट सा एक सभ्यता से भरपूर क्या कहते हैं उसको उस टाइप के रोल्स रहे हैं, और ऐसा खड़ूस वाला रोल मैंने कभी नहीं किया, हालांकि साउथ में मैंने किया था। तो मुझे एक मौका चाहिए था हिंदी में भी ऐसी कोई फिल्म करने के लिए। रहना है तेरे दिल में के बाद मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं की, तो जब ये मौका मिला तो मैंने उसको दोनों हाथों से जकड़ लिया। ये दो लोगों के बारे में ये फिल्म है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोग पूछते हैं कि चलते से क्या अलग होगी, इससे क्या अलग होगी, उससे अलग। मैं आपको बता दूँ कि ये दो लोगों के बारे में फिल्म है, दो लोग जो अपने माहौल से जो हैं इतने अलग हैं जिसमें वो पनपते हैं कि लोग उनसे नफरत करते हैं। वो चाहे वो मेरा कैरेक्टर हो जो कि एक बॉक्सिंग कोच है, जो कभी लाइफ में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिसके वो लायक था पॉलिटिक्स की वजह से और उसकी खुद की एटीट्यूड की वजह से, जहाँ पे वो गुस्से वाला है, वो बदतमीज़ है, बेहुदा है, दिल की बात मुँहफट है, बोल भी देता है। और ठीक इसी की तरह एक और लड़की है चेन्नई में जो एक मछली वाली है, और वैसे ही उसी माहौल में उससे लोग हेट करते क्योंकि वो भी मुँहफट है, बेहुदापंथी की हद होती है, लेकिन वही करती है जो उसे ठीक लगता है। और कैसे ये दो लोग मिलकर उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां तक शायद किस्मत ने इनको इनके लिए लिखा था, और बॉक्सिंग के द्वारा ये उसे हासिल करते हैं, ये उस फिल्म की कहानी है। बॉक्सिंग कोच हैं आप, और जैसा कि मैंने ट्रेलर में देखा कि आपके खड़ूस की पन की वजह से आपको सस्पेंड भी कर दिया जाता है जी, तो वो कुछ बताना चाहेंगे आपकी सस्पेंड करना क्योंकि खड़ूस पन की वजह से या फिर कोई? वो तो पिक्चर देखने के बाद साला खड़ूस का सिर्फ मतलब मैं आपको बता देता हूं। फिल्म में टाइटल से ऐसे लोगों को लगता है कि पता नहीं साला खड़ूस क्यों है फिल्म का नाम, पर साला खड़ूस से हमारा मतलब यह है कि आपका जो कोच होता है लाइफ में, आपका जो मेंटर होता है जो आपको सिखाता है, उससे स्टूडेंट अक्सर सीखता भी बहुत कुछ है, इंस्पायर भी बहुत कुछ होता है, मगर उससे परेशान भी होता है। तो किसी मुकाम पे वो जरूर कहता है कि यार ये साला खड़ूस मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो फिल्म में जो यादी तोमर नाम के कैरेक्टर का रोल कर रहे हैं, जो लड़की है वो इसे उन्हें अक्सर साला खड़ूस कहती है, पर साला खड़ूस सिखाता भी है और आप उसके बिना रह भी नहीं सकते। बॉक्सिंग एक बैकग्राउंड है इस फिल्म के लिए, ये बॉक्सिंग के बारे में भी है और ये दो लोगों के रिश्ते के बारे में भी है, और जैसे सर कह रहे थे ये एक फील गुड फिल्म है, मुझे लगता है कि इससे कमर्शियल फिल्म मतलब शायद ही मैंने कभी किया होगा। नहीं, मैं तो लेके गया था उनके पास, पर इसे लिखा और परखा है हमारी फिल्म की डायरेक्टर सुधा ने। इन्होंने पहली बार जब मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाया तो मुझे कहा गया कि एक लेडी डायरेक्टर है जो आपसे मिलना चाहती हैं। मैं जानता था सुधा को कि वो मणिरत्नम की असिस्टेंट रही हैं और हम लोग कई बार काम कर चुके हैं साथ, जहाँ वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी और मैं स्टार। पर हुआ यूँ कि जब मुझसे कहा गया कि सुधा एक स्क्रिप्ट सुना रही, मुझे लगा कि कोई होगी फिल्म रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर औरतें ऐसी टाइप की स्क्रिप्ट आपको देती हैं ना कि रिलेशनशिप बेस्ड फिल्म हो या फिर विमेंस लिप के बारे में कोई बात कहनी हो। तो बॉक्सिंग जब उन्होंने कहा मैं काफ़ी ये हो गया, मतलब मैंने कहा यार तुम बॉक्सिंग के बारे बनाएगी। पर उसके बाद जो उसकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और फिर जो मैंने देखा कि क्या क्या उन्होंने रिसर्च करके रखा था, हर एक बॉक्सर को मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने इंटरव्यू करके सारा ये जानकारी मतलब मेरे सामने उन्होंने पेश किया कि क्यों लोग बॉक्सिंग करते हैं इंडिया में, किस टाइप के लोग, किस टाइप के माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटी को बॉक्सिंग भेजना चाहते हैं और किस वजह से। ये सारे फैक्ट्स को लेने के बाद जब मैंने कहानी सुनी, मुझे लगा कि इससे कमाल की स्क्रिप्ट मैं नहीं कर सकता, तो मैंने इसे मतलब ले ही लिया उनसे, खरीद ली मैंने उनसे। अच्छा, हिंदी और तमिल दोनों में फिल्म बनी है, प्रोड्यूस आप दोनों कर रहे हैं हिंदी वाला जो है, तो ये आइडिया किसकी थी तमिल में भी फिल्म शूट करना और साइमल्टेनियसली हिंदी में भी, बिकॉज़ वी हैव सीन रिसेंटली रावण वाज अ फिल्म व्हिच वाज डायरेक्टेड बाय मी, सो हाउ डिड दिस थिंकिंग कम इन?
देखिए मैं पहले भी कई फिल्में कर चुका हूँ जो हमने साइमल्टेनियसली शूट की जो हिंदी और तमिल में बनी थी, जैसे 13B फॉर इंस्टेंस जो रिलायंस ने रिलीज किया था, और हिंदी और तेलुगु में भी कर चुका हूँ, तमिल और तेलुगु में भी। ये हमारे लिए बड़ा फायदे का बात होता है, फायदे की बात इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे कॉमन शॉट्स होते हैं एक्शन के, उसको रीशूट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारे लिए दोनों फिल्म जो है कम दाम में मिल जाते हैं और दोनों मार्केट में जो है खुल जाते हैं। लेकिन इस फिल्म की खासियत यह है कि हमने बिल्कुल अलग कास्ट के साथ शूट किया, हालांकि हमने साइमल्टेनियसली शूट किया लेकिन अलग कास्ट के साथ, तो आपको अलग ही फिल्म देखने को मिलेगा। तो आपको उसका जवाब आपको सिंसियर से बोलने पाएगा। सीरियसली इसके बारे में तो मैं कैसे बताऊँ, ये तो सेंसर साहब सेंसर बोर्ड है वो तय कर सकते हैं, बट हाँ हमको तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है दोनों लैंग्वेज में, और जो जो उनकी ज़रूरतें थी वो हमने पूरी की। सो आई थिंक ये बात इस सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। अच्छा राजू जी, जैसे कि बॉक्सिंग पर फिल्म थे जो पिछले कुछ दिनों, और एक ऐसी बॉक्सिंग पर फिल्म आई थी जो कि कई सारे स्टेट्स में जो है टैक्स फ्री हो गई थी, हमने देखा चौक इंडस्ट्रियल रिलीज वो भी कई सारे स्टेट्स में टैक्स फ्री हो गई। आप चाहेंगे, आप लोग की महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ऐसे करना चाहेंगे कि ये फिल्म जो है ये भी टैक्स फ्री हो, ऐसी होनी चाहिए? ऐसी इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन यूडीवी कर रहे हैं और अब युग का काम है कि फिल्म को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, और जहाँ जहाँ हमें टैक्स रिलीफ मिल सकता है वहाँ पे कोशिश करें। तो आई थिंक उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है, उसे वक्त लगता है। रितिका जो है रियल बॉक्सिंग चैंपियन, उनके बारे में अगर आपको कुछ बताना चाहें कि उन्हें आपने चूज किया, कोई और भी एक्टर हमारे फिल्म इंडस्ट्री से ले सकते थे लेकिन उन्हें चूज करने कोई खास वजह, कोई रीजन? जब वो रोल की कास्टिंग की बात आई तो मुझे याद है मैडी और सुधा दोनों ने कहा कि हमको एक बॉक्सर इस फिल्म के लिए लेना चाहिए जो एक्चुअल बॉक्सर हो और उससे एक्टिंग करवानी चाहिए। तो मैं इस थॉट के विरुद्ध था, मुझे लग रहा था कि कैसे आप बॉक्सर को लेके एक्टिंग करवा सकते हो, आप एक एक्टर को लेके बॉक्सिंग शायद सिखा सकते हो। और मैडी और सुधा काफ़ी श्योर थे, उन्होंने कहा ट्राई करते हैं, अगर नहीं मिला नहीं हुआ, क्योंकि बॉक्सिंग के जो मैचेस हैं वो बहुत रियल हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि वाकई कोई रियल बॉक्सर लड़ रहा है। तो इन्होंने खोज शुरू की बॉक्सर की और फाइनली दे फाउंड दे मेट मेनी पीपल, फिर उन्होंने रितिका मिली और उन्होंने मुझे ऑडिशन करके भेजा, और जैसे मैंने ऑडिशन देखा, वो ऑडिशन देखते ही लगा कि शी इज़ जस्ट परफेक्ट। तो मैं रितिक लोग के मुझे कह रहे हैं आप रितिका के खिलाफ थे, मैंने कहा मैं रितिका के खिलाफ नहीं था, मैं इस थॉट के खिलाफ था कि हाउ कैन यू टेक अ बॉक्सर, बट रितिका वंस यू मीट शी इज़ द मोस्ट लवेबल पर्सन यू बम्प इनटू। मैं आपने जो किरदार निभाया उन्होंने सुना कि आपका भी दिक्कत भी थी फिल्म में पूरा कैरेक्टर बनाने के लिए, द वे इट हैज बीन शेप्ड अप योर पर्सनैलिटी, हाउ एग्जैक्टली डिड इट हैपन? दिक्कत इस बात की थी कि मुझे 2 साल लग गए इसे करने के लिए, और दिक्कत इस बात की थी कि मुझे सारे पैसों को जो आ रहे थे जो मेरे एड फिल्म्स हैं और जो मेरे अपीयरेंसेस थे उनको मना करना पड़ा, क्योंकि मैं सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना था। दिक्कत बस इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से थी, वरना जो ट्रेनिंग था और जिस तरीके से मैं तैयार हो रहा था या मैं बॉक्सिंग सीख रहा था या पैडिंग सीख रहा था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे हासिल क्या करना है। मेरे आंखों के सामने एक स्क्रिप्ट नज़र आ रही थी, मुझे एक मौका मिल रहा था अपने आप को अलग बदल के दिखाने का, और मुझे पता था कि ये फिल्म अगर बन जाती और ठीक तरीके से रिलीज होगी तो एक और नया रूप मिलेगा मुझे एज एन एक्टर। तो उस वो सोच में मुझे कभी वो ट्रेनिंग के दौरान दिक्कत नहीं हुई, और मैं बड़े आराम से किया। खाली प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जल्दी में नहीं की, मुझे 1.5 साल लग गए। क्या है नहीं ये तो मुझे, क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ तो मैंने कहा इतना तो करना पड़ेगा। इस गेटअप में एक्चुअली बहुत सी लड़कियां हैं जो इन्हें घूर घूर के देख रही हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो कहा मैं थोड़ा रह लेता हूँ ऐसे। सर तो ये कोई और फिल्म नहीं है मेरे हाथ में, तो मैंने कहा ऐसे यही लुक को मैं तो फायदा उठा लूँ। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या कुछ होने वाली आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि 29 अभी थोड़ा सा और टाइम, तो हमें किस तरह के प्रमोशन और देखने को मिलेंगे? देखिए मैंने लुगी तो पहन ली इस फिल्म में, देखिये
पोंगल एक दिल की इच्छा थी, मैं दिल से करना चाह रहा था, वो मैंने मार्केटिंग के लिए नहीं किया। ये बेचारे मान गए क्योंकि बहुत शरीफ इंसान है वरना। पर जहाँ तक मार्केटिंग का सवाल है, और जो जो चीज़ें हमें करनी है वो यूटीवी और स्पाइस, ये दोनों टीम मिलकर ये डिसाइड कर रही है कि हमें करना क्या चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगर इसके बारे में अभी बात कर लें तो उसका जो यूनिकनेस है वो चला जाएगा। तो मुझे फिर एक्चुअली पता भी नहीं है मैं। तो कल ये है कि उन्होंने कहा कि 24 घंटे नहीं 48 घंटे दिन के अब हमें देख रखिए, तो वो हमने दे दिया है, देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, फिल्म हिंदी और तमिल में रिलीज हो रही है, उसके अलावा भी कोई और लैंग्वेजेस में डब हुई है फिल्म, और साउथ में व्हाट इज इट? ये अच्छा, ये अजीब होने लगा ये बात कि अभी ये फिल्म के ट्रेलर सिर्फ तमिल और हिंदी में निकले हैं, और हमें दुनिया भर के लोगों से इसका रीमेक राइट्स का जो है बात हो गई है। हम एक्चुअली तेलुगु में रिलीज़ करने वाले थे, तो अभी इतना ज़बरदस्त ऑफर आ गया तेलुगु में कि हमने उसको अभी तेलुगु में हम रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, उसका रीमेक राइट्स हम बेच रहे हैं। तो ऐसे कई भाषाओं से हमें इसका रीमेक राइट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा लक्षण है। लेकिन जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, कबड्डी है जैसे, टेनिस है, उसको काफ़ी कम, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, भले ही बढ़ रहा है कहीं कहीं पर, लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं यहाँ पे, वहाँ पे उनका कुछ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाता है दिस स्पोर्ट्स। तो एज अ फिल्म मेकर, व्हाट विल बी योर टेक ऑन इट? योर इन सम वे द प्रमोटिंग बॉक्सिंग, सो व्हाट विल बी योर टेक ऑन इट? नहीं देखिए, स्पोर्ट्स यानी ऑफकोर्स क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द कंट्री टुडे, पर अब आप देख रहे हैं कबड्डी को बढ़ावा दिया जा रहा है, काफ़ी लोगों ने उसको अपनाया, काफ़ी टेलीविजन चैनल सामने आके उसको प्रमोट कर रहे हैं। फुटबॉल के साथ भी वही हो रहा है, काफ़ी लीग्स बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कबड्डी और फुटबॉल अगले आने वाले 5-6 साल में आपको दिखाई देगा कि हमारी होपफुली कोई अच्छी फुटबॉल टीम होगी जो जाके वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पीट कर पाएगी। क्योंकि नेशनली पॉपुलर स्पोर्ट होता है तो लोग उसको खेलना लगते हैं, गली गली में बच्चे खेलने लगते हैं, उसको बढ़ावा मिलता है। सो यस, मुझे लगता है कि ये और भी होना चाहिए। जब भी कोई एक स्पोर्ट में कोई वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो ये समझ लिए कि हजारों की तादाद में अपने बच्चे और खेलने लगते हैं। जब हम कभी टेनिस में जीते हैं या कभी हम बैडमिंटन में जीते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो उतने ही उन लोगों ने और खेलना शुरू कर दिया है। तो ये होगा जो राजीव कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, पर एक और बात यह है कि इंडिया में ना एक सर्वाइवल जो चीज़ होता है वो बहुत ज़रूरी है। आप हमें एक तरीका ढूंढो जिससे हम सर्वाइव कर पाएँ। तो क्रिकेट की खासियत यह है कि हम वर्ल्ड लेवल में जो है कई बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, कई बार सबसे बड़ा जो मुकाम है उसे हासिल कर चुके हैं, और जो इतने वेब क्रिकेटर देख रहे हो वो स्टार्स बन चुके हैं। तो उनको लगता है कि क्रिकेट खेलेंगे मज़ा तो आएगा, ये लोग तो पहचानेंगे, साथ में एक लाइफ भी बन जाएगी। तो जब तक बाकी स्पोर्ट्स में ये मौका नहीं लगे कि भाई यहाँ के जो है, अभी विश्वनाथन आनंद साहब जो हैं वो भी मुका वो आए, वो तो अभी सब चेस खेलना चाहते हैं, तो जब तक कबड्डी खेलकर कोई सुपरस्टार ना बन जाए, कभी बॉक्सिंग में हम सुपरस्टार ना बन जाए और एक जरिया मिले कि भाई आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। जैसे बास्केटबॉल के जो स्टार्स होते हैं US में, वो तो कहीं कहीं बार एक्टरों से बड़े होते हैं एकदम। वहाँ के फुटबॉल स्टार्स और बास्केटबॉल और टेनिस के जो स्टार्स हैं उनकी कमाई इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएं। तो जब तक लोग उसे नहीं पसंद करेंगे, जब तक जनता जनार्दन जो है उसको समर्थन नहीं देगी, तब तक तो उस स्पोर्ट को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। चाहे गवर्नमेंट चाहे, चाहे हम चाहें, चाहे जो भी चाहें, तो उन तक पहुंचाना एक काम है, ये हमारा है। अब उनका पसंद ना पसंद जो है वो लोगों की काम, वो लोगों का काम है। अब उसकी पब्लिसिटी हम क्यों करें, क्यों करें हम? मैं मानता हूँ कि जो मस्ती ज़्यादा देखने वाले फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो शायद मेरे फिल्म को देखने नहीं आएंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और जो लोग मेरे फिल्म को देखने आएंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हमारी फिल्म को, वो शायद मस्ती ज़्यादा से बाहर निकलते हुए नहीं देखना पसंद करेंगे अपने आपको। सो इट्स अ डिफरेंट ऑडियंस कम्प्लीटली, अलग अलग ऑडियंसेज हैं, और जो जो जिसका जो मन करे देखना, हम कौन होते हैं उसको सोचने वाले, जो देखना चाहे वो देखेगा उसको। और एक आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि अभी मैं सोशल नेटवर्क मीडिया पे देख रहा था कि साउथ में अगर रजनीकांत जी हैं और उनके कंपेयर में आप ही आ रहे हैं, आपको भी लोग सक्सेस पसंद कर रहे हैं, आपकी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं, तो जब आप इस तरह से चीज़ें पढ़ते हैं सुनते हैं, कमल हसन जी थे, आप हैं और रजनीकांत जी,
ये कि जहाँ तक रजनीकांत साहब और कमल हासन साहब हैं वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनका मैं तनखा भर भी नहीं हूँ जहाँ तक साउथ का सवाल है। मेरी बस थोड़ी बहुत फॉलोइंग है जो उनके साथ हम बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो हाँ, बस जहाँ साउथ में लोग प्यार करते हैं आपसे तो जान लगा के प्यार करते हैं, बड़े कई सालों तक याद रखते हैं, और अगर गलती आप कर लो तो दो चार मौका एक्स्ट्रा दे देते हैं। हिंदी में जो है आपको थोड़ा सख्त रहना पड़ता है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम हैप्पी दैट आई एम। राजा जी, आप मानते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है साउथ में भी, और इसकी वजह से हमारी फिल्म को भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा साउथ, मुंबई, ऑल ओवर इंडिया। देखिए मैडम के साथ मैंने थ्री इडियट्स में काम किया था, और इसीलिए काम किया था क्योंकि वो अच्छे एक्टर हैं, और इस फिल्म को भी आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यानी मैं तो उस टाइम सोच भी नहीं सकता था कि ये जो चॉकलेट हीरो हम इन्हें कहा करते थे, इतनी खूबसूरत सी स्माइल लेके रोमांटिक फिल्में किया करते थे, तो वो इस किस्म का कोच का रोल कर पाएंगे। सो पॉपुलरिटी वगैरह मैं मुझे नहीं समझ में आता कितना, इतना ही कह सकता हूँ कि फिल्म देखने के बाद आपको लगा कि वो मैडी ने ये कम्प्लीटली एक मेकओवर किया है और एक अलग किस्म का रोल किया है और बहुत खूबसूरती से किया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।